राधिका वही प्रदानी कृष्णाय कृष्णभक्ताय भक्ताय नमो नमः वंशाकल्पतरुभ्यः कृपासिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो श्रीकृष्णचैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत श्रीगदाधर शिवशाली श्री गौरभक्त हरे कृष्ण 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 हरे 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 सबसे पहले मैं समंद था नित्य लीला प्रविष्ट जगत में विश्वपाल श्री श्रीमद भक्ति छोड़ी अखिल चंद्र गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में असंख्य बुद्धि शास्त्र का दंडवत करता हूँ। तत्पश्चात मध्य शिक्षा में नित्य लीला प्रविष्ट जगत में विश्वपाल श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी उनके चरण कमलों में असंख्य कोटि शास्त्र का दंडवत करता हूँ। आज संघ समिति के सभापति परम पूज्य श्री भक्तिवेदांत केशव महाराज संचालक परम पूज्य श्री भक्तिवेदांत माधव महाराज और सभी सीधा महाराज की समस्त वैष्णव जन सभी के चारों कमलों का दंडवत करते हैं, सभी के रस स्पर्शन करते हैं। अब उनके साथ साथ स्पर्शन शुरू हो गया, रस का स्पर्शन हुआ। रामचंद्र प्रभु जी विशिष्ट वक्ता के रूप में जब पूर्ण पूर्ण के रूप में निभा रहे थे और देवराज इतना सहन नहीं कर पाए कि पूर्ण पूर्ण के रूप में हम मुसलादार के रूप में दर्शन करें, तो ही प्रभु जी की कृपा जब मुसलादार मुसलाधार के रूप में दर्शन शुरू हुआ है। लेकिन क्राउन से कौवा सोता की पार्टी पीछे रहती और ताली डालना दुग्ध दुग्धी आदि शुरू होकर के एक से एक उत्तम उत्तम वस्तु का परिवर्तन होने के बाद सोता की पार्टी बाहर से पीछे से निकल आए और सोता की पार्टी जब पीछे से निकल आए तो मजबूरी हो गया कि सोता भी थोड़ा सा शांत कराया जाए। तो ही मुझे अधम दास को कोई योग्यता नहीं है, वैष्णव जन कृपा करके मुझे सुक्ता के रूप में तीर्थ के रूप में लाना है। कृपा करके रूप गोस्वामी प्रभु जी की महिमा को वर्णन करने के लिए उनके जो वैशिष्ट है, रूप गोस्वामी प्रभु जी ने श्री चैतन्य महाविष्णम सप्तम ज्ञान रूप करने के लिए रूप गोस्वामी जी कुछ दिन के लिए वृंदावन में जाएंगे
जहाँ दामोदर मंदिर है वो उनका कुटीर है, भजन कुटीर, और वहाँ कुटीर में निवास करते हुए कि प्रभु का आदेश प्रभु देव का स्थापन करना, प्रभु प्रतिष्ठा करना बहुत ढूंढे कि कहाँ गोविंद देव की है, कहाँ गोविंद देव की है, किसी प्रकार से पता नहीं लगता। तो रूप गोस्वामी प्रभु जी ने जमुना के किनारे निराश बैठ करके कि कैसे गोविंद देव जी का पता लगेगा, बड़े दुखी होते रो रहे थे। तब स्वयं भगवान ब्रजवासी के रूप में गोविंद देव जी के पास आए और आकर के बोले, तू क्या बात है, दुखी क्यों है? रूप गोस्वामी जी ने अपने मनोव्यथा बताया, मनोव्यथा को सुन करके ब्रजवासी के रूप में भगवान कृष्ण ने कहा, गुरु पीला वहाँ गोविंद देव जी का नित्य स्थान है और एक गावी नित्य वहाँ प्रसन्न भाव से दुख मोहन करके गोविंद देव जी को चला करती है, वही गोविंद देव जी वास कर रहे। सुन करके रूप गोस्वामी जी बड़े प्रसन्न हो गए, ब्रजवासी को बताए कि गोविंद देव जी कहाँ चले हुए और उनको ले करके कुमो टीला में जा करके गोविंद देव जी को प्रकट करके आप सभी को सेवा अधिकार प्रदान किया। तो ये श्री चैतन्य मनोविष्टम उनके मनोविष्ट का स्थापन किया है और उज्जल नीलमणि भक्ति रसामृत सिंह आदि ग्रंथ के रूप में इस प्रकार की भक्ति की पराकाष्ठा उन्होंने प्रदर्शन किया है। कैसे हम भजन मार्ग में अग्रसर होने जो हमारे पूर्ववर्ती विशिष्ट वक्ताओं ने विशेष रूप से वर्णन किया है। तो उन सारे विषय में अगर हम अनुगत्य के साथ गुरुानुगत्य या भजन मार्ग में अनुगत्य पहला लक्षण है, अगर हम अनुगत्य का आश्रय नहीं लेंगे, श्रुति स्थिति पुराण आदि पंचरत्र विधि बिना ऐकांतिक हरि भक्ति उत्पाद एवं कल्पते। भगवान में खूब भक्ति है, विद्वता सब कुछ है, लेकिन श्रुति स्मृति शास्त्र का अनुगत नहीं है तो उस ऐकांतिका भक्ति भी उत्पाद के रूप में परिणत होगा। इसलिए वैष्णव जन आचार्य जन जिन्होंने हमें अपने आत्मनी आचार्य धर्म जीवी ने सिखाया, स्वयं आचरण करके हमारे आचार्य जी ने गुरुवर्ग सब ने आचरण करके भजन करके सबको सिखाया है और उन्हीं के मार्ग पर हम चले, उनके आचरण का हम अनुसरण करें, अनुकरण नहीं। हम अनुकरण तो आसानी से कर लेते हैं लेकिन अनुसरण करें और अनुसरण करके उसका अपने जीवन को उतारे तभी हमारे जीवन सार्थक हो सकता है। इन वैष्णव जनों की कृपा मिले तो गोस्वामी जनों की कृपा अपने आप हमें प्राप्त हो सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने पानी को बिना जगन्नाथ वल्लभ नाटक जैसे और श्री रूप स्वामी जी के जिनके द्वारा ललित माधव विदत्त माधव नाटक जैसे और यहाँ पर श्री रूप स्वामी जी की व्यापार करोड़ा भक्ति रस का अभाव होगा या तो ऐसी जगह जो कि पूरी धाम से हमारे वंशी वदन को आज कुछ कथाओं को प्रस्तुत करें सभी भक्तजनों को उत्साहित और आनंद करें। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च
श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले ज्यादा कृपालु होने के कारण वैष्णव के ज्यादा मंगलदायी प्रभाव दिखे, क्योंकि वैष्णव जब प्रकट होते तब उनकी नाम रूप लीला गुण धाम उनका क्या वैशिष्ट्य सबको पता नहीं चलता, लेकिन तिरोभाव में ईश्वरी वस्तु प्रकट हो जाती है, इसलिए तिरोभाव तिथि विशेष मंगलदायी है। तो आज की जो तिथि पर उनकी रूप गोस्वामी पाद के नाम रूप लीला गुण के बारे में संबंध में बोलना, रामचंद्र प्रभु तो काफी दिन की संग
वो सेवनमुखी जीवा दो। सेवनमुखी कैसे होगी? सेवनमुखी दो प्रकार की सेवा है। जीव गोस्वामी पाद कहते हैं परिचर्या रूपा और संग रूपा। परिचर्या को तो अभी रूप गोस्वामी पाद हमारे पास नहीं है, लेकिन संग के द्वारा कुछ कुछ उपलब्धि हो सकती है। और संग कैसे होगी? रूप गोस्वामी पाद ने जैसा विश्वनाथ चतुर्थ पाद के रूप में प्रकट हो गए, रूप में ऐसा तो देखा गया, इसलिए रूप गोस्वामी पाद ने जितने सारे ग्रंथ लिखे, अद्भुत ग्रंथ, भक्ति रसामृत सिंधु, उज्ज्वल नीलमणि, विदग्ध माधव, ललित माधव आदि, इतना उनके ग्रंथ के प्रख्यात ख्यात मंजरी, ये प्रख्यात ख्यात मंजरी में छंद कैसे लिखा जाएगा, संस्कृत श्लोक रचना किया जाएगा, उसमें वर्णन है, हम तो आश्चर्य हो गए। एक बार हमने एक संस्कृत यूनिवर्सिटी में गए थे, उनका HOD साहित्य डिपार्टमेंट बोले आप गौड़ीय मठ से है ना, मैंने बोला हाँ। वो बोले प्रख्यात ख्यात मंजरी आप जानते हो? मैंने बोला प्रख्यात ख्यात मंजरी में तो नहीं जानते, लेकिन लिस्ट तो पड़ा, सब समय हमारा आलोचना होती है, एक राधा कृष्ण गणदश दीपिका ये सब होती है जगन्नाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी में, वो जानते हैं, मुझे पता नहीं। उन्होंने बोले प्रख्यात ख्यात मंदिर में इविन की श्रुत बोध छंद मंदिर आदि ग्रंथ में संस्कृत श्लोक रचना करने तरीका जितना विफिबल्ट है, उससे अत्यंत सुंदर रूप में व्याख्या की है प्रख्यात ख्यात मंदिर रूप गोस्वामी पाद ने। ये छटा कैसे रूप गोस्वामी छंद संस्कृत शास्त्र की जो वाग्मिता विधवता को अगर देखा जाए रूप गोस्वामी पाद की क्या देखा जाए, लेकिन उसको समझने के लिए एक एक श्लोक को विश्वनाथ चक्रपाद के रूप में उन्होंने आए और आदो आदो श्रद्धा तथा साधु संघ को माधुर्य का रूप में प्रकाशित किए। और उन्होंने जो श्लोक को अन्याभिलाषित सीता शून्यम ज्ञान कर्म ज्ञानामृतम, एक ही श्लोक को उन्होंने भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु के रूप में प्रकाशित किए, लेकिन फिर भी हमारे जैसा बद्ध जीव के लिए बोधगम्य नहीं होता है, इसलिए हमारे गुरुपाद पद्म इसमें दिग्दर्शनी वृत्ति और पीयूष वर्षणी वृत्ति दे करके इसको फिर जब समझाते हैं, तब रामचंद्र प्रभु जैसा व्यक्ति भी इतना सुंदर रूप से उसको व्याख्या करने के लिए लग जाते हैं। ये केवल हमारे गुरुपाद पद्म की विशेष कृपा है। तो उनकी संग से ही जो कुछ मिलेगा, तो गुरुदेव के तो संग से जो कुछ मिला है सब कुछ, हर बार वही चीज, इतने सुंदर सुंदर वस्तु गुरुदेव आराधना करते थे, तो उसमें से रूप गोस्वामी पाद की कितने कितने वस्तु के बारे में विचार किया जाए, अगर हर रोज, क्योंकि श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने एक स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने लिखा है स्वभाव ऐसा है और हर मुहूर्त में भूलेगा। उदाहरण स्वरूप समझ में आया ना, कितना बड़ी चीज भक्ति ठाकुर कहते हैं, कितना गुरुत्वपूर्ण व्यक्ति, कितना गुरुत्वपूर्ण चीज को, कितना गुरुत्वपूर्ण परिस्थिति में, कितना गुरुत्वपूर्ण तरीका से उन्होंने बांट दे कलिजु का धर्म और बद्ध जीव का स्वभाव उनको भूल ही जाएगा। उदाहरण चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण राधा भाव द्युति सुबलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम, क्या वस्तु दिए? स्वभक्ति स्त्री, स्वभक्ति माने राधा रानी की भक्ति, स्त्री माने उनकी शोभा मंजरी भाव, उनको प्रदान किए। कैसा परिस्थिति में? इस प्रकार कली युग में दोष कले निधेर कले दोष निधेराजन कली युग में, और बांटा किसी तरीका से, अपनी करी आस्वादने सिखाई लो भक्त जने प्रेम चिंता मणिर प्रभु धनी, नाही जाने स्थाना स्थान जारे तारे कैल दान महाप्रभु। इसलिए उन्होंने कृपा करके रूप गोस्वामी पाद के दिए हुए वस्तु को
हमारे गुरुवर को आकर के बांटते हैं और ये बढ़ा देने हमारे गुरुपाद पद्मों की, हम रूप गोस्वामी पाद दिए हुए वस्तु को भी हम भी भूल जाते हैं। अभी तो हम देखते हैं एक बात, आज हम हमारे साथ बात कर रहे थे तब एक बार हमारे बात कर रहे थे कि सचमुच हमारे गुरुपाद की इतने विशेष कृपा है। जिस समय कार्तिक महीना में कथा होती थी, कार्तिक महीना में जब कथा होती थी बद्ध जीव सबको भूल जाते हैं। अभी अभी हम देखते हैं हम भी भूल गए, लेकिन गुरुपाद पद्म ने सबको, सबकी मानसिकता को, सबकी केंद्रित करने वाला दृष्टिकोण को, फोकस को माधुर्य कादम जैसा ग्रंथ प्रवेशन करके उठा के ले आते थे। वही कमरा में कोई बैठते थे, कोई कहाँ रहते थे तो आपस में महाराज लोग क्या सब गृहस्थ भक्त लोग का बात करते थे, भाई आज वस्तु गुरुदेव बता रहे थे, श्रद्धा क्या है, हमारे भी क्या स्थिति है, अनर्थ कब तक हमारे चलेगा, भाव अवस्था में कब हम पहुंचेंगे। इसलिए गुरुपाद में जो विशेष कृपा है ये वस्तु जो बद्ध जी वो भूल जाते, इसलिए हम तो देखते हैं वैष्णव हमारे कितने उपकार करते हैं। 99 उपकार, उपकार का व्यक्ति याद नहीं स्मरण करेगा नहीं, उन्नत वस्तु को भूल जाएंगे, कितना उन्नत वस्तु को देते हैं बार बार। इसलिए रूप गोस्वामी पाद की जो कृपा गुरुदेव ने जो किए है, रूप गोस्वामी पाद ने स्मरण कराया, एक वस्तु गुरुदेव व्याख्या करते, देखिए वो कीर्तन को रूप गोस्वामी पाद के रोज रोज हम करते, उसमें कितना सुंदर उपमा दिया है। देव भवंतम बंध रूप गोस्वामी पाद ने लिखा है और हमारे आचार्य पाद ने देव मतलब समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम लोग लगाते सोचे इसी जगत का केवल नहीं इसी ब्रह्मांड का जो श्रेष्ठ देव है ब्रह्मा, जिन्होंने तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय आदि कवि ब्रह्मा तेने तेने माने विस्तार है, जिन कृष्ण के द्वारा विस्तारित किया गया वही ब्रह्मा साक्षात रूप में छोड़ो जो उनकी कृपा नहीं होती है समाधिसु अपि अंगुष्ठी की नख की अग्र की शिखा प्रदेश के मरीचि मतलब किरण छटा को भी ब्रह्मा देख नहीं पाते हे प्रभु, लेकिन मैं आपको देखने की तो कोशिश करता हूँ और हमारे आशा है देख सकता हूँ। उसके बाद में लाइन में बताते हैं क्या बताते हैं इदमिच्छामि निशम्य तवाचुत तदपि कृपा अद्भुत विचि, यहाँ पर अद्भुत पहले आएगा, ये अद्भुत कृपा के लिए विशेषण है। आपकी ये जो अद्भुत कृपा है प्रभु
जो कि ब्रह्मा जी के लिए भी संभव नहीं है, समाधि अवस्था में भी आपकी चरण कमल की नख की छटा को, लेकिन आपकी अद्भुत अगर कृपा हो उसके ऊपर हमारा भरोसा है, मैं आपकी पूरा साक्षात रूप में दर्शन क्या सेवा भी मिल सकता है। ये रूप गोस्वामी पाद की एक चरण में इतना सुंदर व्याख्या है। बहुत सारी चीज तो छोड़ो, और राधे माधव दैत में देखी, राधे ये जो प्यार है पूरा केवल संबोधन में है। प्रथम पूरा तीन प्यार उनमें लिखा है भक्ति, चार प्यार में केवल संबोधन बदले, राधे संबोधन, माधव दैत्य संबोधन, करुणा राधे माधव दैत्य गोकुल तरुणी मंडल महि, पूरा संबोधन है। जैसा राधा कृपा कृष्ण स्तवराज में पूरा पूरा संबोधन सारी है, मुनिंद्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न भक्त पंकजे, सब संबोधन है। ऐसा इसी प्यार में रूप गोस्वामी पाद में संबोधन में ही केवल स्तुति कर दिया राधारानी पाद राधारानी को कि राधे माधव दैते, पहला संबोधन राधे, वहां पर देव है यहाँ पर राधे। राधे शब्द से बहुत सारी व्याख्या है लेकिन हम इतना नहीं जाते हैं, लेकिन राधे पौने दूसरा संबोधन बताते क्या, माधव दैते है माधव के प्रिय, बस और क्या बताए। और उसके बाद गोकुल तरुणी मंडल महिते, गोकुल के तरुणी का मंडल को शोभायमान करने वाली महीषी जो है राधा रानी है, राधे मैं आपकी चरण कमल को वंदना करता हूँ। केवल मैं नहीं वंदना करता हूँ, मैं आपकी गुणकीर्तन करने वाला कौन हूँ, क्योंकि लास्ट पर जैसा कहते हैं सनक सनातन वर्णित चरित्र, आपकी चरित्र को वर्णन करने वाले है सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। ये विशेष विशेष उनकी एक एक प्यार में, इसलिए उनकी तुंडे तंड विनय रतिंग वितर होते तुंडा बड़ी लब्धय कर्ण क्रोड़ करणम विनी घटयते कर्णार बुद्धेभ्य स्पृहम चेत प्रांगण संगिन विजयते सर्वेन्द्रियाणाम कृति नोजान जनिता कियत विमृते कृष्णेति वर्ण द्वय। ये नाम की महिमा सूचक श्लोक रूप गोस्वामी पाद ने रचना किया, लेकिन अभी विचार ये है नाम महिमा सूचक श्लोक क्या पहले से नहीं था? हरिदास ठाकुर जी को क्या पता नहीं था, जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु जिनको नामाचार्य उपाधि प्रदान किए, जिन्होंने दिन भर 3 लाख हरिनाम करते थे, लेकिन वही रूप नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी ने रूप गोस्वामी पाद की इस प्रकार नाम महिमा सूचक श्लोक को देख करके बड़ी बड़ी प्रशंसा की। ऐसे अनेक अनेक बात है। और एक मधुर रस की छटा में उज्जवल नीलमणि ग्रंथ में एक जगह रूप गोस्वामी पाद बड़ी सुंदर से लिखते हैं कि देखो रास मंडल में बंसी ध्वनि कर रहे थे ठाकुर जी, किशोर जी, किशोर जी साथ में नृत्य चल रहा है, पंचम राग में ठाकुर जी बजा रहे अपना बंसी, लेकिन बजती नहीं उसी स्वर में जैसा पहले बज रहा था। ठाकुर जी तो हैरान हो गए, क्या हो गया भाई, मैं तो इतना सुंदर बजा रहा हूँ, हर समय ही बजा रहा हूँ, बंसी में तो कुछ असुविधा नहीं है, बंसी बदल गया नहीं तो। उन्होंने बार बार जो देखा तो समझ में आया, उसी समय राधा रानी की नुपुर गिर पड़ी, तो उनका चरण की नुपुर का ध्वनि बंसी को पुष्ट कर रहा। तो कृष्ण ने राधा रानी की नुपुर को फिर जब जॉइंट लगा दिए, संजोग हो गया, और राधा रानी की नुपुर का ध्वनि जब बजने लगा और वही बंसी ध्वनि को पुष्ट किया, जो कि फिर बंसी इसी प्रकार बजने लगा। ये रूपानुभव वैष्णव की विचार है, राधा रानी पक्षी है रूप गोस्वामी पाद, जब कृष्ण की बंसी निनाद करते हैं तब भी राधा रानी की शक्ति संतर के द्वारा ही करते हैं। ऐसे जो रूप गोस्वामी पाद, उनकी जो विचार, उनकी जो सौष्ठव, उनकी जो संग सचमुच अंतरंग परिकर है रूप गोस्वामी पाद है। अंतरंग इसीलिए गम बोधन, गमने बोधने और प्रापणे, गमने मतलब जाना, अंतरंग मतलब महाप्रभु में अंदर में हृदय में प्रवेश किए, गमन और बोधने स्वभक्ति स्त्री को उन्होंने समझाया, महाप्रभु की कृपा से समझ गए, और प्रापणे उन्होंने प्राप्त किया, और प्राप्त करने के बाद बांटा भी आदेश दे दिए, स्फुरतु वह स्त्री सचिनंदन,
यहाँ पर आदेश दे लोट लतार, आदेश देने के मतलब अहंकार नहीं है, यहाँ पर प्रचुर दीनता है, क्योंकि अधिकार प्रदान किए महाप्रभु ने और दिए महाप्रभु ने, महाप्रभु का संपत्ति को लाए, इसलिए महाप्रभु संबोधन पहले अनर्पित चरिम चिरात कर्म अवतीर्ण कलो, और वही वस्तु को रूप गोस्वामी पाद दे रहे स्फुरत वह श्री सच्चिनंदन। ऐसे जो रूप गोस्वामी पाद है जिन्होंने महाप्रभु कौन जैसा श्री कृष्ण, महाप्रभु तो कोई देखते थे नमो नारायण कहते थे, तो महाप्रभु कहते थे जिवेर जिगाद हमें ईश्वर ज्ञान कभु ना करियो, किन्तु जो रूप गोस्वामी पाद बोले नमो महावदान्य उनको गुणा बता दिए, कृष्ण प्रेम प्रदाय थे क्या दान करने के लिए वो भी बता दिए, और आप कौन हो कृष्ण, और इतना बताने के और आपके नाम कृष्ण चैतन्य बोलने के बाद भी सुनने के बाद भी महाप्रभु ने बोल दिया अति स्तुति हो। चल ऐसे जो रूप गोस्वामी पाद के चरण कमल को हम वंदन करते हुए गुरु अभी के चरण पर प्रार्थना करते हुए मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। वंशा कर और पंडित विचारों को वर्णन किया है। हमें हमारे बंध में हमारे पूज्य बात श्री भक्ति विधान श्रीधर महाराज हमेशा रस की वर्षा करता है, पर हम रस को नहीं चाहेंगे, चाहेंगे क्या छात्रों के कोई गरीब विचारों, तो इसलिए श्री रूप गोस्वामी जी के विचारों में देखा जाए सभी वक्ता जन उनकी कथाओं को वर्णन कर रहे हैं, परंतु ये कथा छूट जाती है जैसे उन्होंने राधा कृष्ण के मिलन मिलन लीलाओं का वर्णन किया है वैसे विरह विप्रलंब का भी वर्णन किया है, और दोनों कथाओं में जो उनको अच्छा लगे अभी हमारे श्री श्रीधर महाराज जी कुछ कथाओं को प्रस्तुत करें श्री रूप गोस्वामी जी के विचारों से आगे। तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायष्टदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्रीचैतन्यमनभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददातीष्टो भजान्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत कदा प्रचुरादि पतला है पानी से इसलिए नहीं तो कोई बैठ नहीं आ पानी की कभी आ रहे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद
अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद भक्तिवेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी श्रील सभापति महोदय अन्य अन्य त्रिजतिपादगण सभी का चरण के जैसा जल्द प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। अभी तक हम लोग हमें श्री रूप गोस्वामी की वैशिष्टता का विषय पर विभिन्न दृष्टिकोण से विभिन्न वक्ताओं के मुखार बिंदु से बड़ी अच्छी अच्छी कथा थी, इसलिए हम लोग सवेरे भी श्रवण कर रहे थे श्रीमान चैतन्य महाप्रभु, इनका नाम उन्होंने रूप ही नाम रखा है, इसलिए उन्होंने क्यों इनका नाम श्री रूप उन्होंने रखा इसी विषय पर हम लोग ने श्रवण किया है। इसलिए इनका जब नाम जो रूप गोस्वामी नाम रखा गया है, हम लोग सवेरे श्रवण किया था, जब श्रीमान चैतन्य महाप्रभु श्री जहाँ पर श्री रूप गोस्वामी रहते थे, जब महाप्रभु वहाँ पर गए और रथ यात्रा का समय में उनकी हृदय की जो भावना, जो कि साधारण काव्य श्लोकों का उच्चारण कर रहे थे, जो श्लोकों को कोई नहीं समझ रहे थे, लेकिन वहां पर केवल एक व्यक्ति समझा था श्री स्वरूप रामदर। लेकिन जब श्रीमान चैतन्य महाप्रभु ने देखा इनकी हृदय का जो भावना के अनुरूप उन्होंने एक अद्भुत श्लोक को उन्होंने रचना की, जिस श्लोक को देख करके महाप्रभु का हृदय तो प्रेम में गदगद हो गया और आनंद उनका हृदय में समाया नहीं। अरे उन्होंने जिस श्लोक को देख करके दो श्लोक उन्होंने देखा, तो तीन श्लोकों में एक श्लोक तो था जो तुंडे तांडव तुंडावलि लब्ध है जो नाम की महिमा, दूसरी जो श्लोक है उन्होंने जो अनर्पित चरित करो और उन्होंने जो प्रिय सोचरी इन श्लोकों को देखे महाप्रभु आनंद में हृदय में आनंद नहीं समाया। फिर उन्होंने स्वर्ग दामोदर को, फिर उन्होंने सार्वभौम कटाचार्य को और राय रामानंद को, इनको फिर लेकर के आए, बोले रूप बताओ तो तुमने जो श्लोक लिखे वो श्लोक को बताओ। लेकिन रूप गोस्वामी लज्जित होकर को बताना नहीं चाह रहा, बोले बताओ ना। लेकिन जब उन्होंने तुमने तांडव निमित्त उठे ये श्लोक को बताए, हरिदास ठाकुर का नाच उठे और जब उन्होंने अनर्पित चरित्रा ये श्लोक को उन्होंने सुने, महाप्रभु आनंद में हृदय गदगद हो गया, इनकी हृदय आनंद में गदगद हो गया। जब गदगद हो गया तब महाप्रभु कहते हैं सारे भक्तों को, तुम लोग नहीं ये रूप को ऊपर में कृपा करो, तुम सबके सब इसके ऊपर में कृपा करो, क्योंकि जो श्री चैतन्य मनोभिष्टम महाप्रभु का जो अभिष्ट वजह से ये स्थापन कर सके, ग्रंथ रूप में लिख सके, इसलिए श्री जीव गोस्वामी श्री रूप गोस्वामी के ऊपर उन्होंने का अष्टक लिखा है। वो अष्टक में कहते हैं इनका नाम रूप क्यों है, वो अष्टक में बताया ये सबका रूप है, कृष्ण का भी रूप है, राधा रानी का भी रूप है, स्वरूप दामोदर का भी रूप है, ललिता के भी रूप है, ये सबका रूप श्री ये रूप है। रूप होने का नाते इन्होंने श्री महाप्रभु का जो मन अभिष्ट, आप लोग जो उज्ज्वल निर्मणी भक्ति रसामृत सिंधु ये जो ग्रंथों को हम लोग जब श्रवण कर रहे थे, महाप्रभु का सारे अभिष्ट उन्होंने स्थापन किया है। इसलिए इनके एक ग्रंथ है जिसका नाम स्तवावली, इनका एक ग्रंथ है, जिस स्तवावली ग्रंथ में अभी जो हमारे बंसी बदल प्रभु बोल रहे थे, इनका क्या नाम बता रहे थे, नाम कौन सा, प्रज्ञा अच्छा ख्यात मंजरी, इनकी जो वो ग्रंथ में जो कवित्व है, अगर आप लोग वो ग्रंथों को नहीं पढ़ेंगे तो आप इनकी जो कवित्व को पढ़ने आप समझ नहीं सकते, ऐसे अद्भुत इनकी कवित्व है। आपको एक दो चीज आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, हरे कृष्ण, आप लोग मेरे तरफ में देखो। हाँ इसमें देखो, इसमें इनकी कवित्व के ऊपर में देखो, ये जो कवित्व है एक सर्प रूप में देखो, इसका नाम है सर्पबंध, मतलब एक सर्प को अंदर में जैसे कि सर्प देखो, उन्होंने जो संस्कृत शब्द पढ़े संस्कृत विषय में जिनको जानकारी है वो
ही है जिनको समझ सकते हैं श्री रूप गोस्वामी की विद्वता क्या था। एक सर्प रूप में देखो उन्होंने श्लोक लिखे कृष्ण लीला के ऊपर में जो स्तवावली ग्रंथ में उन्होंने पूरा जैसे आनंद वृंदावन चंपु श्रीमद भागवत ग्रंथ इस ग्रंथ में कृष्ण लीला पढ़ते हैं, लेकिन इन्होंने संपूर्ण कृष्ण का जन्मोत्सव से लेकर के उनकी रास लीला तक उन्होंने स्वयं अद्भुत अद्भुत उन्होंने श्लोकों को रचना की। रचना करते हुए देखो यहाँ पर सर्प आकृति है जिस ये सर्प आकृति रूप में श्लोक को उन्होंने सुंदर रूप में विवेचना करते हुए सर्प के रूप में दिया। यहाँ पर देखा कि चक्राकृति है ये चक्र के रूप में उन्होंने श्लोक को रचना करके दिया उन्होंने। और यहाँ पर देखो ये सर्वत्र भद्र है और यहाँ पर वो गोमूत्र भद्र ऐसे ही उन्होंने अद्भुत अद्भुत रूप में श्लोक को उन्होंने ये अद्भुत एक पद्माकृति है और एक है उसमें बहुत अच्छे अच्छे नाम उन्होंने दिया मेरे याद नहीं आ रहे हैं। उन्होंने अद्भुत रूप में श्लोक को उसको अंदर में देख करके जो श्लोक रचना करते हैं वो इनकी कवित्व को समझ सकते हैं इनकी क्या कवित्व थी और इनका अंदर में क्या पैदावार। जब उन्होंने इसी श्लोक में बताया वहाँ पर जब कोई तप ऊपर में कोई श्लोक रचना करते हैं तो लोग तही तही तह जब उन्होंने तप ऊपर में रचना करते हैं तही तही तह जब उन्हें तप ऊपर में कोई श्लोक रचना करते हैं तो बोले और एक अद्भुत उन्होंने चीज दिखाया। देखो जैसे कोई शब्द को जब हम अभिव्यक्ति करते हैं कोई एक उसने को वार होनी चाहिए जैसे आप क्या कर रहे हो कहाँ गए थे, लेकिन उन्होंने एक चित्र कवित्व उन्होंने लिखा है केवल दो अक्षरों के अंदर में उन्होंने अपना भाषा को उन्होंने अभिव्यक्ति किया। ये कोई साधारण बात नहीं। यहाँ पर मथुरा में जो पंडित यादव उनका नाम क्या था वासुदेव चतुर्वेदी जब एक बार आए थे वो बहुत बड़ा शब्द तीर्थ है तब उन्होंने रूप गोस्वामी की महत्व को बता रहे थे क्योंकि बहुत बड़े पंडित है उन्होंने बता रहे थे जो रूप गोस्वामी उन्होंने चित्र कवित्व केवल दो अक्षर में उन्होंने शब्दों को कैसे अभिव्यक्ति किया। मैं एक दो श्लोक पढ़ा करके पढ़ कर उन्हें बताता हूँ। बोले रसासारम सुसारो रसुरारी ससासरम ससारासी रसो रासे शरीरम सुससारम चर्चो रुचो चिरम चरा रुचि रोहो चरम चरे चरो चारो चिरम चरम रुचि चारो चरम चुरत धरे धरा। को लेकर उन्होंने पूरा उन्होंने कृष्ण लीला को उसमें अद्भुत इसके अंदर में संपूर्ण कृष्ण लीला इसके अंदर उन्होंने वर्णित किया केवल दो दो अक्षर में। ये बात को छोड़ दो आप किसी शब्द को एक अक्षर को तरह कभी अभिव्यक्ति नहीं कर सकते। इस शब्द को एक अक्षर में अभिव्यक्ति कर सकते हो नहीं, लेकिन इन्होंने एक श्लोक लिखे हैं जो केवल एक अक्षर में वो वासुदेव चतुर्वेदी कह रहे थे वो इतने आसानी बात नहीं क्योंकि एक अक्षर में कोई शब्द को आप अभिव्यक्ति कर सकते हो। देखो उस श्लोक में क्या कहते हैं वो कहते नीनम नानम ननम नूनम नीनो नान ननम नाने नानम नीनो ने ना नानम नानम ननम नम। ये केवल एक ना है जब लोग एक एक अक्षर में उन्होंने पूरा राधा कृष्ण का जो दिव्य लीला को उन्होंने एक एक अक्षर में अभिव्यक्ति किया वो बता रहा था वासुदेव चतुर्वेदी ये कोई साधारण बात नहीं। इसलिए उनको जो रूप गोस्वामी की जो कवित्व ऊपर बता रहे थे वो सचमुच से सही है। अभी तक ऐसे कोई क्यों किसी रूप गोस्वामी ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है ये स्वयं राधारानी रूप मंजरी होने का नाते इतने दिव्य भाव को उन्होंने अभिव्यक्ति इसी ग्रंथ रूप में उन्होंने किया है। और इसी ग्रंथ में उनने जैसे जमुना अष्टकम गाते हैं ललिता अष्टक गाते हैं जैसे कि गिरिराज गोवर्धन का अष्टक गाते सब इन्होंने ये ग्रंथ में अभिव्यक्ति की। और उन्हें विशेष करके उन्होंने एक इसी ग्रंथ में एक ग्रंथ है जिसका नाम श्री उपदेशामृत। ये उपदेशामृत जो ग्रंथ है उसी में श्रील प्रभुपाद इसी ग्रंथ ऊपर में कहते थे ये ग्रंथ ये सहज्ञान के लिए ये वज्र है। जो सहज्ञा वो क्या कहते हैं तुमको कोई विधि विधान पालन करने का कोई जरूरत नहीं वो आते ही तुमको क्या करते हैं तुम ये मंजरी तुम ये सखी
तुम्हारी ये सेवा, तुम्हारी ये नाम, तुम्हारी ये वस्त्र। इसलिए प्रभुपाद कहते जो अभी तक जो शौच क्रिया को बाद में कैसे हाथ धोनी चाहिए, जो इसी विषय को नहीं जानते हैं उनको ये मंजरी, लड्डू मंजरी, कचौड़ी मंजरी और उसको रसगुल्ला मंजरी नाम दे दिया। हाँ, नाम दे दिया, नाम देकर क्या होता है, लेकिन वो स्थिति तो तुम्हारी है ही नहीं। तो कस्तरी मंजरी, लड्डू मंजरी तो बैठ के आ करके दो दिन बाद में राधा कुंड में जाते हैं, बैठ करके देखते हैं शायद राधा रानी को लीला दिखने को मिलेगा। गुरुदेव कहते राधा रानी क्या देखोगे, कौन सा लड़कियां कैसे स्नान कर रही वही चीज देखोगे। और एक दिन तुम्हारे हृदय में ऐसे काम आएगा, हाँ, तुम जो घर छोड़ करके आए भजन करने के लिए दो चार शादी करोगे, फिर बाबा जी माता जी को लेकर के फिर माता मती करना शुरू कर दोगे। इसलिए गुरुदेव कहते थे, इसलिए प्रभुपाद कहते थे ये जो उपदेशामृतम ग्रंथ है वो सहज आपके लिए ये वज्र जैसे ग्रंथ है, क्योंकि इसमें साधन से लेकर उन्होंने उन्होंने हमारे जो लक्ष्य है वहां तक उन्होंने उसी ग्रंथ में विवेचना किया है। पहले कैसे बाच वेगम मन सह क्रोध वेगम, पहले तो अपना बाच को क्रोध को दमन करो, अत्याहारम प्रयासास भक्ति का जो प्रतिकूल वस्तु को वर्जन करो, जो हाँ भक्ति में जो सिद्धि देने वाले हैं हाँ उत्साह निस्याद धज्यात ये सब गुण आनी चाहिए। हरिनाम में मन नहीं लग रहा है, तन नाम उसमें कैसे हरिनाम में स्याद कृष्ण नाम अविद्या रसनाश न रुचिकानु, कैसे हरिनाम में तो रुचि नहीं लग रहा है, हरिनाम को कैसे धीरे धीरे करनी चाहिए है। फिर उसके बाद में विशेष करके गुरुदेव जो श्लोक कहते थे है, इसलिए तन नाम श्रवण कर रहे थे, इन्होंने इतना ग्रंथ करके तभी तृप्त नहीं हुए। इसलिए गुरुदेव कहते थे फिर श्री रूप गोस्वामी, फिर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर रूप में आते हैं, वो और कोई नहीं रूप गोस्वामी का अवतार है। उनने जो भक्ति रसामृत सिंधु लिखा है उसको बिंदु लिखे, उनने जो उज्जवल निर्मल लिखा उसको फिर किरण कणा लिखे, जो लघु भागवत किरण कणा लिखे और विशेष करके उन्होंने श्री भागवत ग्रंथ में जो टीका लिखे, टीका ने नाम क्या है सारार्थ दर्शन, जो उन्होंने टीका लिखे हैं, जब तक आप श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की ये टीका को अध्ययन नहीं करेंगे तब तक आप भक्ति रस में आप प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए श्री गुरुदेव जब जब कोई बात बोलते थे बारंबार श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का नाम लेते थे, बल्कि जो कुछ मैं विचार बोलता हूँ इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का ही मैं विचार बोलता हूँ। इसलिए उनके जो प्रथम जो श्लोक है जन्मादस्य जत अन्याद वितरतस्य, ये श्लोक को श्री वल्लभाचार्य कहते हैं, ये श्लोक को तो जन्मादस्य सत्यम परम धीमहि, ये कौन है, बल्कि सत्यम परम धीमहि श्री कृष्ण है। लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते नहीं, वो सत्यम परम धीमहि कृष्ण नहीं, बल्कि सत्यम परम धीमहि जो राधा कृष्ण राधा रानी की जो पराशक्ति श्री राधा रानी देवी कृष्णमय प्रोक्ता राधिका परा देवता, वो श्लोक में श्री राधा ही ध्यान बताए जो जन्मादस्य जतः जिनसे ही आदि श्री का रस प्रकट होता है। इसलिए उन्होंने जो टीका है वो अन्य व्यतिरिक रूप में एक एक श्लोक को उन्हें दो दो अर्थ करते हैं। जैसे देखो बोले तब कथा मृता तब तजी